दूर कीजिए ना, उसको दूर क्यों नहीं करते। आज ईवीएम को लेके कहीं गाड़ी पे पकड़े जाते हैं, कहीं रात में धांधली होती है, अधिकारी खुद भी देखिए आप 2022 के चुनाव के वक्त देखिए कैसे वाराणसी के अधिकारी ने खुद कहा कि भाई हम ट्रायल के लिए ले जा रहे। भाई ये कौन सी ट्रायल है? ट्रायल चुनाव से पहले होता है कि ना कि बाद में होता है? तो जो आप खेल करने की कोशिश करते हैं जनता उसको समझ जाती है। तो चुनाव इलेक्शन ईवीएम को लेकर जो सवाल है तो दरअसल विपक्ष या पक्ष का बात नहीं है, लोगों के मन में, जनता के मन में, आवाम के मन में जो शक है इसको दूर करना है, इसको दूर करने की जिम्मेदारी इलेक्शन का। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में, और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे चुनाव से। जी हाँ, चुनाव नज़दीक आए कि नहीं कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने जाति, समुदाय, धर्म पर कार्ड खेलना शुरू कर दिया। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार गुजरात और हिमाचल चुनाव में जीत किस राजनीतिक पार्टी की होगी, लेकिन सत्ता के इस महामुकाबले में आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से, बहुत तेज रफ्तार के साथ आगे दौड़ती चली जा रही है। आम आदमी पार्टी की रफ्तार को देखकर बीजेपी नेताओं के पसीने छूट रहे हैं, और आज गुजरात चुनाव को लेकर ही बात करेंगे। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी आशिफ सर मौजूद है, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात की जो जनता है वो क्या सोच रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, और क्या वहाँ का जो मुस्लिम वोटर है वो भी इस बार बदल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि मुस्लिम वोटर्स ने अपना रुख समाजवादी पार्टी की तरफ रखा, तो क्या इस बार मुस्लिम वोटर बीजेपी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है? आशिफ सर से जानने की कोशिश करेंगे क्या सोच रहा है आशिफ सर गुजरात का मुस्लिम वोटर, और वो भी महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों से परेशान है। तो आम आदमी पार्टी में लग रहा है कि कुछ विकास हो पाएगा इसलिए वो जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शुक्रिया राहुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप ध्यान दें, 2022 का चुनाव का आप भी जिक्र कर रहे थे, अगर 2022 पे जाते हैं तो देखिए ये हकीकत है कि योगी जी ने जीत तो दर्ज की है, ये हकीकत है कि बीजेपी ने प्रचंड जीत तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं 2017 के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो उनमें गिरावट आया, और उनकी गिरावट ही सबसे बड़ी हार है। ये ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी को हरा देना, लेकिन आंकड़ों में गिरावट आई इसका मतलब यही है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो ग्राफ 2014 में था, जो तरक्की था, उसमें कहीं ना कहीं जो है एक रोक लग गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं गुजरात चुनाव की। आज देखिए एयरपोर्ट पे अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, अब वहाँ मोदी मोदी के नारे लगते हैं। भाई आप चार ठोल लोगों को इकट्ठा कर भेज देते हैं और ये जो नारे लगवाते हैं इसका क्या मतलब है? इससे क्या उनका क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगा? क्या इससे उनका रिपोर्टेशन खराब हो जाएगा? नहीं होगा। दरअसल खेल ये है कि केजरीवाल जी के जाने के बाद से बीजेपी खेमे में दरअसल जो है खलबली मची हुई है। इस खलबली को दूर कैसे किया जाए ताकि अब केजरीवाल पर ये लोग लग गए जैसे कि अखिलेश यादव पर लग गए थे, ये तमाम चीज़ें। तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि देखिए जो मुद्दा यूपी चुनाव के वक्त था, जो महंगाई, बेरोजगारी और ये तमाम, एक जो रोजगार का मामला है, इन चीज़ों से बीजेपी हमेशा मट्टी डालने का काम करती है, हमेशा चाहती है कि इससे लोगों का नज़र को हटा दिया जाए, ध्यान को हटा दिया जाए। लेकिन केजरीवाल एक बहुत होशियार नेता, इस बात को आप समझिए कि वो लगातार कोशिश करते हैं, हमेशा वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक मामलों पर लाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन केजरीवाल घुमा घुमा कर वो विकास के मुद्दे पर, शिक्षा, इन तमाम चीज़ों पर लाते हैं, और यही इनकी मजबूती है, जिसकी वजह से अब सवाल है कि क्या जनता उनके साथ आएगी। पूरा विश्वास है कि हालांकि गुजरात चुनाव में कम से कम 50 सीटें ना आए, 90 सीटें ना आए, बहुमत ना आए, लेकिन इतनी तो जरूर है कि जो जिस तरीके की उनकी तैयारी है तो मुझे लगता है कम से कम 20-30 सीटें भी अगर आती है तो अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी जीत होगी गुजरात में। 20-30 सीटें भी आती हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा खड़ा हो गया है, और ईवीएम एक ऐसी समस्या है विपक्षी पार्टियों के लिए जिसको लेकर वो बार बार सवाल खड़ा करते रहे हैं। ईवीएम को लेकर मैं जानना चाहूँगा कि ईवीएम को लेकर जो विपक्ष बात करता है कि ईवीएम के जरिए बीजेपी चुनाव जीतने का काम करती है, ईवीएम का सहारा लेकर चुनाव जीतती है, विपक्ष के इन दावों में जरा भी सच्चाई है? देखिए ईवीएम को लेकर विपक्ष क्या कहता है ये मैटर नहीं रखता है, ईवीएम को लेकर जो लोगों के मन में सवाल है ये मैटर रखता है। और ये मैं ना तो बीजेपी सरकार से पूछ सकते हैं ना किसी अन्य सरकार से, सवाल ये है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लगता है पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ जाती है चुनाव आयोग के पास। तो भाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जैसे आप मौजूदा सरकार पर नज़रें रखते हैं वैसे विपक्ष पर रखें। आपने देखा होगा कोरोना काल में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अमित शाह जी पूरा बिना मास्क के ही रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। वही यूपी चुनाव में जैसे भूपेश बघेल सड़कों पे आते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पे कार्रवाई होती है। तो दो नजर कैसे किया जा रहा है ये हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब चुनाव आयोग में दरअसल ईवीएम को लेकर जो खेल है, भाई विपक्ष है वो तो अपना इल्जाम लगाएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसको निष्पक्षता से, जो लोगों के मन में सवाल है उसको आप दूर कीजिए ना, उसको दूर क्यों नहीं करते?
आज ईवीएम को लेके कहीं गाड़ी पे पकड़े जाते हैं, कहीं रात में धांधली होती है, अधिकारी खुद भी देखिए आप 2022 के चुनाव के वक्त देखिए कैसे वाराणसी के अधिकारी ने खुद कहा कि भाई हम ट्रायल के लिए ले जाए। भाई ये कौन सी ट्रायल है? ट्रायल चुनाव से पहले होता है कि ना कि बाद में होता है? तो जो आप खेल करने की कोशिश करते हैं जनता उसको समझ जाती है। तो चुनाव इलेक्शन ईवीएम को लेकर जो सवाल है तो दरअसल विपक्ष या पक्ष का बात नहीं है, लोगों के मन में, जनता के मन में, आवाम के मन में जो शक है इसको दूर करना है। इसको दूर करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को, ये तभी दूर जब वो ईमानदारी से काम करेंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो इसकी क्या गारंटी है कि ये चुनाव एकदम सही तरीके से होगा, किसी तरह का इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा? विपक्ष क्यों बार बार या जनता क्यों बार बार ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव की बात कर रही है, और आज के समय में क्या संभव है बैलेट पेपर से चुनाव करवाना? देखिए एक अच्छा पक्ष है, ये अच्छा एक सॉल्यूशन है, लेकिन देखिए जो जिस तरह की देश में आबादी है हम इसको नहीं अप्रूवल दे सकते हैं और नहीं इसको लागू करवा सकते हैं। हाँ, ये जरूर चीज़ें हैं, लेकिन अब अगर जैसे मान लीजिए दिल्ली जैसा है, पंजाब जैसा राज्य होता तो पॉसिबल है, लेकिन अब इतना ना जनसंख्या है कि पॉसिबल ही नहीं है, जितना बूथ लेवल है तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तो कम से कम है कि भाई अब जैसे ही आपके अंडर में आ जाता है तो आप क्यों सरकार के दबाव में आकर जो है एक पक्ष को ज़्यादा कार्रवाई करते एक पे नहीं करते? तो हालांकि बैलेट पेपर से पॉसिबल तो नहीं है, हालांकि कोशिश करनी चाहिए, अगर ये आ जाता तो लोगों के मन में जो सवाल है, जो शक है, जो डाउट है, मुझे नहीं लगता कि फिर इस तरह का लोगों के मन में सवाल होता। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन करेंगे भी नहीं। देखिए दर्शक जो हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ते हैं वो भी कहते आ जाइए, आज बीजेपी की एक नैरेटिव बन गई है कि भाई बीजेपी है तो उनकी ताकत ईवीएम है। तो इस तरह की तरीके का जो इल्ज़ाम लगता है अपने आप में सुनने में ख़राब लगता है, उसको दुरुस्त करना चाहिए। हालांकि सरकार को इस पर काम करना चाहिए। देखिए इतने आज देश तरक्की कर रहा है, ईवीएम को लेकर समस्या है, अगर सरकार चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहती नहीं। अगर वो चली जाएगी तो फिर ये जो खिचड़ी पकता है, ये जो ड्रामा होता है, ये जो एक तरह से कि जो मिर्च मसाला मिल जाता है, फिर वो कैसे मिलेगा? मिर्च मसाला कैसे मिलेगा? और ईवीएम बैलेट पेपर का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र भी करना ज़रूरी है। राष्ट्रपति चुनाव को सबने देखा, हमने भी बारीकी से देखा, और चुनाव के नतीजे आए भी नहीं थे, चुनाव के जो रुझान थे वो भी नहीं आए थे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके गाँव में जश्न की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, पकवान बनने लगते हैं, भोज का आयोजन किया जाता है, सजावट तमाम तरह की जाती है। और सवाल ये खड़ा होता था कि भाई रुझान अभी तक नहीं आए हैं, नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन कैसे सत्ता पक्ष ने ये मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है? भाई विपक्ष भी इस तरह की तैयारी कर सकता था, नहीं, लेकिन नहीं किया। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि आज के समय में एक तरफा चुनाव जीतने का काम सरकार कर रही है, एक तरफा काम कर रही है, सरकारी एजेंसियों का एक तरफा इस्तेमाल हो रहा है, जिसे देखकर ममता बनर्जी को ये कहना पड़ता है कि अब राजनीति से मोह भंग हो चुका है, राजनीति से संन्यास लेना चाहती हैं। यही बात केंद्रीय मंत्री ने कहा था, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि अब राजनीति में वो बात नहीं रही जो अटल जी के वक्त हुआ करती थी, वो बात अब नहीं रही जो मुरली मनोहर जोशी के वक्त हुआ करती थी। यानी कि 2014 के बाद अगर देखें तो शायद लोकतंत्र लोकतंत्र रहा ही नहीं है, संविधान संविधान रहा ही नहीं है, क्योंकि सरकार अपने मनमर्जी के हिसाब से चुनाव करवाती है और अपने मनमर्जी के हिसाब से नतीजे आती है। हालांकि देखना होगा कि गुजरात चुनाव के इस महामुकाबले में जीत और हार किसकी होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की लगातार तेज रफ्तार को देखकर बीजेपी इस वक्त डरती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।